क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है सर आई गॉट एडमिशन इन, कहाँ चले गए, यहाँ है सर, आई गॉट एडमिशन इन बी एड अबाउट 250 किलोमीटर फ्रॉम होम, कैन आई गेट एग्जाम सेंटर नियर बाई माई होम? नहीं, ये रेगुलर जहाँ पर आपकी एडमिशन होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, जहाँ पर आपका कॉलेज है वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा। फिर भी आप मुझे वर्किंग आवर में 8427458843 पर कोई 9 बजे से 1-2 बजे के करीब मुझे फ़ोन करो या मैसेज छोड़ो, फिर मैं यूनिवर्सिटी से कन्फर्म कर दूंगा। आपने यूनिवर्सिटी नहीं बताई, यूनिवर्सिटी मुझे बतानी है हर हालत में। सर जी, आई हैव डन मास्टर इन इंग्लिश एंड बीएड, बट आई हैवंट स्टडी इंग्लिश इन माई ग्रेजुएशन फॉर 3 ईयर, आई हैव पास एडिशनल सब्जेक्ट और आई हैव टू पास एडिशनल सब्जेक्ट और मास्टर इंग्लिश इज नहीं। ये आप ठीक हो, आपका क्वेश्चन भी ठीक है, जो एमए इंग्लिश के लिए एक बार 2022 में शायद हाँ अलाउ किया है कि ग्रेजुएशन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2015 में अलाउ नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में आपको 100% श्योर होना है कि आप एलिजिबल रहो, आपको लाइन से बाहर ना निकाला जाए, तो आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम एडिशनल बीए का हर हालत में दे देना चाहिए, दे देना चाहिए मतलब दे देना चाहिए। ये कहाँ चले गए हम, वापस आते हैं, ये रहे फर्स्ट है ईटीटी एडमिशन स्टार्ट होंगे, कोर्ट केस चल रहा है, अभी तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, सब कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन है ईटीटी के बारे में, 2024 वाले 10+2 के बेस पर ईटीटी कैडर और पीएस टेट के लिए एलिजिबल हैं क्या, उनकी टीईटी कैडर जो एग्ज़ाम है क्लियर माना जाएगा? देखिए, अगर आप ईटीटी में एडमिशन हो चुकी है, आपका कोर्स चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, तो हर हालत में आप पीएस टेट के लिए एलिजिबल हो। तो जिनकी एडमिशन नहीं हुई तो वो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। आपकी एडमिशन हुई है या चल रही है तो आप एलिजिबल हो, 100% एलिजिबल हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी की सर्कुलेशन के मुताबिक यही है कि जो जो एडमिशन ले चुके हैं, है ना, जो परस्यूइंग है, ये शब्द यूज़ किया गया है, तो दे आर एलिजिबल फॉर पी एस टेट और स्टेट टेट और सेंटर टेस्ट। सर जी, आई हैव डन इंग्लिश बट आई हैव स्टडी, ये बात हो चुकी है। सर, मेरे बीएड में सब्जेक्ट पैडागोजी ऑफ कॉमर्स एंड इंग्लिश थी, अब मुझे कोई एडिशनल देना पड़ेगा? देखिए, बी कॉम कॉमर्स है, अगर तो आपने एम कॉम कर लिया तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाओगे, अगर आपने नहीं किया तो कॉमर्स के बेस पर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं बन सकते। इंग्लिश की है, इंग्लिश का आप एडिशनल बीए का दे दोगे तो आप एलिजिबल बन जाओगे टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, तो आपको इंग्लिश का एडिशनल देना पड़ेगा, ये 100% मान के चलिए। वापस आते हैं, ये क्या आ गया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समृद्धि महाजन कमेंटेड, थैंक यू फॉर गाइडेंस, वांट टू आस्क थिंग अब सेम टू के फाइनल एग्ज़ाम, सेम वन भी लिखा है, फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट और सेकंड सेम के फाइनल एग्ज़ाम कौन से मंथ में होंगे, 2023 में? आइडिया है, आइडिया 100% है, ये दिसंबर के लास्ट में शुरू होते हैं सेम वन के, ये दिसंबर और जैन के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरे जो हैं मई और जून के बीच में आपकी डेट शीट आती है जो सेकंड सेम की है, तो इसी में होते हैं नॉर्मली, सभी यूनिवर्सिटी के इसी में है। आपने यूनिवर्सिटी नहीं बताई, ये बताया करो आप। सर, मेरे बीए में मैथमेटिक्स सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स है, तो पटियाला यूनिवर्सिटी से पास की है, तो मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स और एसएसटी बनता है, पर कॉलेज वाले एक साथ, हाँ मैथ्स और इसका, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस आप देखिए उसमें नहीं है, मैथ्स और सोशल साइंस का पेपर जहाँ तो एक दिन होता है, रीड मोर यहाँ पर जाते हैं, एसएसटी नहीं दे रहे, वो ठीक है अकॉर्डिंग टू रूल, ये क्योंकि जो एग्ज़ाम एक दिन होने हैं मैथ्स का और एसएसटी का, अगर एक दिन होना है तो वो नहीं मिलेगा आपको, मैंने देखा है, पढ़ा भी है, रीकन्फर्म करना है तो आप प्रॉस्पेक्टस जो अभी का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पढ़ा होगा उसको देख सकते हो। वापस यहाँ पर, सर एक बार एडमिशन होने बाद कॉलेज चेंज किमें करिए, जल्दी दसो। देखो, कॉलेज चेंज ली जहाँ तक पहली, क्योंकि एडमिशन डेट्स हूँ निकल चुकी हैं, जहाँ तक तुम पहली एडमिशन थानू जे तो एडमिशन फीस तुम वापस कर देने ठीक है, दूसरे कॉलेज में रिटर्न आन तो पहला, हजे रिटर्न किसी भी यूनिवर्सिटी की फाइल नहीं हुई, रिटर्न तो पहला एडमिशन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर
ये मेरा आइडिया गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी के रिटर्न का सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। जेकर कोई स्पेशल एप्लीकेशन दे के यूनिवर्सिटी जहाँ क्लर्क दे नाल मिल के ये रास्ता मिलता है तो किया जा सकता है, थोड़ी जी संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। कारण एक ही है कि ऑनलाइन सब सिस्टम हो चुका है, चोरी नहीं हो सकती। अदरवाइज रिटर्न तो पहला एडमिशन हो सकती है। मेरे सामने तुम्हें कोशिश कर लेनी चाहिए है एक बारी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज, जेडे कॉलेज में तुम एडमिशन लेनी है उस कॉलेज के क्लर्क नाल एक बारी गल करो। है हेलो सर, आप कंपलसरी सब्जेक्ट के नोट्स पंजाबी में भी प्रोवाइड करवा दो प्लीज़, वो सब कुछ हो जाएगा। वाइज सिलेबस शो करवा दो सर, डेफिनेशन इंग्लिश में लिखें, एग्ज़ाम ज़्यादा बेस्ट होता है। बिल्कुल, पॉइंट्स और डेफिनेशन हमेशा ही इंग्लिश में लिखने चाहिए। पंजाबी में लिखते हैं तो आपका प्रभाव डाउन जाता है, ये क्योंकि इंग्लिश में ही वो टीचर एजुकेटर पढ़े होते हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश या पंजाबी बेहतर या वो है, सभी भाषा एक जैसी होती है। माँ भाषा, माँ बोली से हमारा प्यार ज़्यादा होता है, होना चाहिए भी, लेकिन जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है कम्युनिकेशन के, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इंग्लिश बेटर है अच्छे एग्ज़ाम लेने के लिए। 2500 रुपया मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस होगी। आपको चाहिए कि जो आपकी कंसोलिड टोटल बात हुई थी कि 80,000 में, 1,00,000 में, 90,000 में, कितने में बात हुई थी आपकी, है ना? तो 2500 अगर बाद में मांग रहे हैं उससे बाद फिर नहीं देना। अगर उन्होंने कहा था कि एग्जामिनेशन फ़ीस एक्स्ट्रा है तो उनका हक बनता है। आपको बताया गया क्या क्या गया है उस पर डिपेंड करता है। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, एग्जामिनेशन फ़ीस हो सकती है। रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फ़ीस ऑलरेडी ओके। सर बीकॉम दे नाल ग्रेजुएशन ते पंजाबी इलेक्टिव एडिशनल पेपर देना पड़ेगा। हाँ जी, कॉमर्स नाल एमए में पिछे भी दस के आए हैं, एमकॉम की है तो पीजीटी लिए, क्योंकि तुसी पंजाबी रखी हुई है, पैडागोजी ऑफ पंजाबी ते एडिशनल इलेक्टिव पंजाबी दा बीए दा पेपर दे के तुसी एलिजिबल टीजीटी लिए बन जाओगे। कर लेना चाहिए, 100% करना चाहिए है। पंजाबी यूनिवर्सिटी बीएड सिलेबस पेपर पैडागोजी, अच्छा सर GNDU का प्रीवियस पेपर कितों डाउनलोड करांगे? मेरे को सारे ही पे ने, मेरे को टाइम नहीं लगता उन्होंने सिस्टमैटिकली किस तरह तुम्हें प्रोवाइड करता हाँ, मैं प्रोवाइड करा दाँगा, मिल जाएंगे तो मेरे को है। हाँ, दूजी यूनिवर्सिटियां दे पिछले ज़्यादा नहीं हैं, नेड़े वाले ज़्यादा हैं। एक्चुअलाइज बीएड पेपर नोट्स जस्ट पॉइंट हाईलाइट्स करा दो ताकि हम एग्ज़ाम के लिए नोट्स तैयार कर ले। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ज़्यादा लंबी है, तो शॉर्ट भी साथ में बना रहा हूँ। आप फीडबैक दो, सुजेशन दो कि क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या कमी है, फिर उसके अनुसार चेंज करूँगा। आप फीडबैक ज़रूर दो, आपकी ज़रूरत क्या है। बीएड विच फिजिकल एजुकेशन का डिसीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पैडागोजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। सर इस साल एडमिशन होगी या नहीं? कोर्ट केस चल रहा है ETT का, उस पर डिपेंड करता है, सारा ही मामला कोर्ट पर ही डिपेंड कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। गुड मॉर्निंग सर, ईपीआर वाले सिस्टम भी होना चाहिए है, क्योंकि कई बारी कोई प्रॉब्लम करके पेपर स्किप हो जाता है। बिल्कुल, ये सुजेशन है, ऑट टू बी है सुजेशन है, लेकिन ये वाइस चांसलर नूं तुसीं रिप्रेजेंटेशन लिखो ना कि ये प्रॉब्लम है। जदों तुसीं जिसने रूल बनाना है, कानून बनाना है, उसनों असी आवाज़ नहीं पहुँचाते डेमोक्रेटिक वे ना, तो असी सल्यूशन की आस नहीं रख सकते। ये चाहिए है सर, फ्रीडम फाइटर दियाँ पोस्टा SC कैटेगरी नूं मिलदियां हन? फ्रीडम जे हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल दी जो प्रॉब्लम है उसनों फिर तुसी उस वीडियो विच में समझाया होएगा। जे तां उस दी फ्रीडम फाइटर दियां पोस्टां SC नूं मिलदियां, जेकर फ्रीडम SC फ्रीडम फाइटर दी पोस्ट सी फिर वो जनरल SC नूं जा सकदी है, अदरवाइज़ नहीं। सर प्लीज़ सोशल स्टडी भी करवा दो, सारा ही करवाऊँगा धीरे धीरे। इसकी आप फीडबैक नहीं दे रहे कि क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। सर डेफिनेशन ऐसे लिखनी कि थिंकर का नाम और उसकी एज, डेफिनेशन उसके आगे डेफिनेशन लिख के सेंट्रल आइडिया देना है। सर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना है हर एक डेफिनेशन को, सर थोड़ा ब्रीफली बता दे। मैं इस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ब्रीफ में आप ऐसे लर्न कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया जो अंडरलाइन करता हूँ, एक एक सेंटेंस उसका नोट कर सकते हैं, या सेंट्रल आइडिया नोट कर सकते हैं, पॉइंट, डेफिनेशन और सेंट्रल आइडिया। अगर नहीं सेंट्रल आइडिया करना, पॉइंट और डेफिनेशन काफ़ी है। तो ये आपने कैसे बताना देना है, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स याद हैं उतनी एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगी, ये रूल होगा। आपको पेज पूरे फिल करने, ये पूरा बताऊंगा, एक नहीं 20 पॉइंट बताऊंगा। आप
अगर थोड़ा सा अभी आप जब पढ़ने लगोगे, सभी जने जुड़ जाएंगे ना, काफ़ी जने, तो फिर मैं बताता हूँ। इफ़ आई डिड बी एड फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, कैन आई परस्यू बी एड एडिशनल थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटी? नो, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी से आप जो कर सकते हो एडिशनल पेपर, क्योंकि माइग्रेशन लेनी पड़ेगी, ये पक्का रूल है। सर आप सिलेबस शो करवा दो देन टॉपिक करवा दो, ऐसे करा रहा हूँ, नेक्स्ट आ रहा है, पहले सिलेबस बताया है। एक्चुअली ये कॉमन टॉपिक है, सभी यूनिवर्सिटी के हैं, सभी पहले पेपर के हैं, और पहले पेपर का नाम नॉर्मली लिखा होगा कि कौन सा पेपर है, लेकिन वो पेपर का नाम भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होगा, है ना। तो ये रहा आपका, सर इन्हें कॉलेज एडिशनल, सर एडिशनल पेपर ली पॉलिटिकल साइंस का करंट सिलेबस दस दो प्लीज़। देखो यूनिवर्सिटी नहीं आप बता रहे, यूनिवर्सिटी नहीं बताई, सर सिलेबस यूनिट वाइज विद नोट्स एक्सप्लेन और दिलियाँ मैं, हाँ सारा कुछ हो जाएगा अभी। गुड मॉर्निंग सर, मेरे ग्रेजुएशन इलेक्टिव पंजाबी फिजिकल एजुकेशन इकोनॉमिक्स फॉर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एम ए पंजाबी बी एड, मेरे इकोनॉमिक्स से पंजाबी कॉम्बीनेशन ठीक है, मैं पी एस एस टली तुसी की लिया है बी एड विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स लिया है तो पंजाबी लिया है। बिल्कुल तुसी सोशल साइंस ऑप्ट करोगे पी एस टेट विच, है ना। तो जे एस एस टी लैनी है तो एडिशनल पेपर एक हिस्ट्री का दे देना चाहिए है, फिजिकल एजुकेशन है इधर इकोनॉमिक्स, हाँ तुम्हें हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स बी ए का दे देना चाहिए है, फिर तुसी सोशल साइंस लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट एलिजिबल, एक कोई होर है, चलो कोई गल नहीं। सर मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मेरे बी एड में पंजाब यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। आपने कहा से ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं एडिशनल पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी दे सकते हो आप, बिल्कुल दे सकते हो। अब आप अगर अभी आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो दे सकते हो। ये मास्टर कैडर लेक्चरर आंदियां अभी पता नहीं क्या है, बाद में देख लेते हैं। सर ईटीटी का फॉर्म कदों आएंगे? ये कोर्ट केस चल रहा है, उसी का आंसर वेट कर रहे हैं सभी। ये रहा, ये तो बाकी जने इनकी ऐड देख लो भी, इनका भी चैनल देख लो। सर मैं 2015 विच कीती है, कि मैं एडिशनल पेपर दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी केड़ी है तुहानू रूल्स वगैरह दस दंगा, कोई प्रॉब्लम आवे पुछ लो। एडिशनल दी डेट हजे पई है, बीए दी नहीं निकल चुकी हैं लगभग सारियाँ, हाँ लेट फीस नाल है। हैलो एवरीवन, ओके हैलो हाय, आई होप दिस इनफॉर्मेशन विल हेल्पफुल और दैम जिहड़े अपने फॉर्म खुद ही फिल कर रहे ने। गल ए है कि एडिशनल पेपर फिल करना किवें है ये कोई नहीं दसदा, जिवें सर जी ने इत्थे दा पता नहीं बेइज्जती कीती कि इज्जत कीती पता नहीं लगा। सर पी एस टेट की तैयारी शुरू करवा दो यार, हाँ उधर ही आना मैं हूँ। आता मैंने पता नहीं लगता कि मैं थोड़ा वो करवावा ही करवावा, एक तो करवाना ही है पक्का। सर बी एड की बाकी बुक्स का सिलेबस भी हाँ बना रहा है, बस बना रहा, बल्लब बुल्लब जहा मेरा उड़िया होया, पानी आया सी अंदर, समान मेरा कुछ सड़ गया है, नुकसान हो गया, वो मैं हूँ थोड़ा लियाना पैना, सॉरी। शाइना गोलिंग मैडम भी अच्छा पढ़ाते हैं, इन्हों का भी चैनल देखा करो। थैंक यू फॉर सर लर्न टू एक्चुअलाइज लाइफ इज वॉच। सर पेपर पैटर्न सारा एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दो, कर देना है वो भी, है ना, पेपर पैटर्न दस देना है। थैंक यू। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? 40%। चलें बहुत हो गया मेरे ख्याल में। और रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड नोट्स, वाह ये भी एम बी ए भी पढ़ लो। दिस सोसाइटी एंड प्रोसेस द टोटली फेक, आई हैव स्पॉयल्ड माई मनी टू गैट माई माइग्रेशन। कहते जो यूनिवर्सिटी ने साइड दिती है वो टोटली फेक ने, आई डिडेंट गैट एनी थिंग येट। तो कोई आपकी फीडबैक नहीं ना आई होगी, आपने मैसेज नहीं अटेंड किया होगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का है तो। अगर आप जो आपकी ईमेल और जो आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज नहीं आप चेक करते तो कुछ नहीं होगा फिर। फिर आपको ये मैंने बताया है सारा कुछ, फिर बाद में आपको मेरे ख्याल 2-3 महीने लग जाते हैं। सर ईटीटी दा दस दो, ईटीटी दा कोर्ट केस, सर इंग्लिश मीडियम रख ले कॉलेज दसना पैंदा, बिल्कुल ये बातें हो चुकी हैं मेरे ख्याल 5 दे या बहुत है, ये क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू। कुछ फीडबैक और सजेशन दो जो टॉपिक में करवा रहा हूँ। थैंक यू।